हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आप देख रहे हो फेसबुक एक्सपर्ट। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मेरे को कि ग्रुप्स के अंदर इंस्टा में कितने एडमिन रख सकते हैं और प्रोफाइल पेज से ग्रुप कैसे मैनेज होता है और एक साथ बहुत सारे मल्टीपल पेजेस से कैसे आप ग्रुप मैनेज कर सकते हो। तो सिंपली सा बताने वाला हूँ किस तरीके से मल्टीपल एडमिन आप ग्रुप के अंदर रख सकते हो जो बाद में मैनेजमेंट के काम आएगी। इसके क्या क्या रूल्स है, जितने रूल्स है सब बता दूंगा। उसके अलावा कैसे ग्रुप ऐड करते हैं और क्या क्या तरीका होता है इनको मैनेज करने का, सबको डिटेल में इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जब भी आप ग्रुप पे काम करते हैं या आपने फेसबुक पर ग्रुप बना रखा हो, ये सेटिंग्स और चीज़ें नहीं पता तो अक्सर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मॉडरेशन क्या होती है, प्री अप्रूव क्या होती है, सबको डिटेल में इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना। साथ ही साथ आप अगर चैनल पर पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें यार, ताकि फ्यूचर भी ऐसी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमेशा अपडेट रहे। दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते सीधा वीडियो की तरफ और देखते हैं फेसबुक पे ग्रुप मैनेजमेंट के लिए आईडीज और पेज एडमिन चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं और क्या क्या रूल रेगुलेशन है इसके। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि फेसबुक के अंदर ग्रुप जो है वो कैसे मैनेज होता है, यानी कि ग्रुप का एडमिन कैसे चेंज होता है, किसी ग्रुप के अंदर मॉडरेटर कैसे बनाया जाता है किसी को, और किसी को पोस्ट को प्री अप्रूव कैसे देते हो, इनका फ़ायदा क्या, ठीक है, सब कुछ जानेंगे। वैसे दोस्तों फेसबुक के बारे में और जानना सीखना चाहते हो तो कोर्स का अनाउंसमेंट हो चुका है इस टाइम में, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हो फेसबुक के बारे में और जानना हो तो। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं कि एडमिन कैसे चेंज होता है। सपोज दैट ये ग्रुप है, मान लो एक ग्रुप का एडमिन आपको एक चेंज करना है, उसके लिए सबसे पहले करना क्या होगा कि इस ग्रुप को जिस भी आईडी या पेज से आप ज्वाइन कर रहे हो या एडमिन बनाना है आपको, उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ला करके और मैं ये लिंक यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे ग्रुप खुल जाएगा। जब भी आपका ग्रुप खुलेगा उस आईडी से तो आपको करना क्या, पहले सिंपली से इसको ज्वाइन कर लेना है। तो अब ये ग्रुप ऑलरेडी मेरा ज्वाइन है, बस मैं दिखाना चाह रहा था इसलिए मैं खोल रहा हूँ यहाँ पे। तो ये ऑलरेडी ज्वाइन है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे मेंबर्स दिख रहा होगा, इस तरह ग्रुप का ऑप्शन होगा, यहाँ मेंबर्स दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे थ्री मेंबर्स, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये आ गया, ठीक है। मेंबर्स यहाँ पे नीचे मेंबर्स बन के आ जाएंगे। तो इसके अंदर ये तीन मेंबर है इस टाइम में, ठीक है। तो अगर मान लो ये वाली आईडी से भी आपने ज्वाइन किया था तो यहाँ पे एक थ्री डॉट दिख रहा होगा, किसी का भी मेंबर, जितने भी मेंबर हुआ जिसको भी कर रहा हो, या तो आप उसका नाम यहाँ से सर्च करके निकाल सकते हैं, ठीक है, और जो निकलेगा तो इसी तरह से आएगा। तो मान लो इसको एडमिन बनाना है तो इस पर क्लिक करेंगे थ्री डॉट पे, तो यहाँ पे देखे एज मॉडरेटर एड एज एडमिन बैन फ्रॉम ग्रुप और लिमिट एक्टिविटीज़ और टर्न ऑन पोस्ट अप्रूवल और सस्पेंड इन ग्रुप, ये ऑप्शन आते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले सस्पेंड मतलब क्या होता है। सस्पेंड मतलब ये होता है कि आप इन एथिकल बंदा को आपके ग्रुप में घुस गया और कमेंट वगैरह कर रहा है तो आप इसको सस्पेंड कर सकते हो। सस्पेंड करने के बाद ये आपके ग्रुप में कभी ज्वाइन नहीं कर पाएगा, इस आईडी से बने हुए किसी पेज से भी वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा, या जिस पेज को बैन किया उसका एडमिन से बना हुआ कोई और पेज भी इस ग्रुप में नहीं आएगा। फिर आता है टर्न ऑन पोस्ट अप्रूवल। अगर आपने ग्रुप के अंदर पोस्ट अप्रूवल लगा रखा है, यानी कि एडमिन के अलावा पोस्ट को नहीं कर सकता, तो वहाँ पे अगर एक फेवरेट बंदा ये इसका टर्न ऑन करना है, यानी कि जब रेंटेड ग्रुप बना देते हैं तो वो लोग यही करते हैं कि जिस आईडी से आप ज्वाइन करते हो वो आईडी का लिंक उसको दे देते हो और वहाँ से वो आपका पोस्ट को अप्रूव कर देता है टर्न ऑन पे। यानी कि अब जब भी उस ग्रुप में पोस्ट करेंगे आपका पोस्ट 100% अप्रूव होगा, यानी कि जिस भी आईडी से पोस्ट करें उस ग्रुप में बिना एडमिन पर जाए हुए अप्रूव हो जाएगा। फिर लिमिट एक्टिविटीज़ है, यानी कि लिमिट लगा सकते हो यहाँ पे कि भाई इतने ज़्यादा कमेंट लाइक या पोस्टिंग वगैरह नहीं करनी। फिर आता है बैन फ्रॉम ग्रुप्स, ठीक है, तो आप उसको बैन भी कर सकते हो। फिर यहाँ आता है एड इज एडमिन। एडमिन ऐड करने के बाद जैसे ग्रुप का मालकाना हक यानी ओनरशिप आपके पास है, वैसे ही वो एडमिन बन सकता है वो बंदा। बट एडमिन देने से पहले ध्यान रखे वो बंदा आपका ट्रस्टेड हो या खुद का होना चाहिए या आपकी खुद की आईडी होनी चाहिए। ऐसे किसी की आईडी पे एडमिन मत दे देना, वो बंदा फिर आपको भी आपके ग्रुप से निकाल सकता है, फिर वो रिकवर भी आपसे नहीं होगा। फिर आता है एक मॉडरेटर। मॉडरेटर भी काइंड ऑफ सेकेंड एडमिन होता है ग्रुप का, जो कि मॉडरेटर के पास पूरा राइट्स होता है ग्रुप्स के अंदर आने वाले हर एक कॉमेंट को डिलीट करने का, हर एक पोस्ट को रिमूव करने का। तो मॉडरेटर थोड़ा सा कह लो कि कम पावर में है और एडमिन के पास पूरी पावर होती है। तो अगर आपको मॉडरेटर बनाना है किसी पेज को तो इस पर क्लिक करके आप मॉडरेटर बना सकते हो। एज एडमिन बनाना है, अगर एडमिन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सीधा सेंड इन्विटेशन आ जाएगा, और जैसे ही यहाँ पर सेंड करेंगे तो इस आईडी के अंदर इन्विटेशन आएगा। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखे एक नोटिफिकेशन आ गया यहाँ पे। नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखो साफ बन के आ गया कि इन्वाइट कर रहा हूँ इस ग्रुप का एडमिन के लिए। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर तो ये एडमिन ग्रुप नोटिफिकेशन चला जाएगा जहाँ से हमें एक्सेप्ट करवाएगा, और एक्सेप्ट करते ही हमें अप्रूव मिल जाएगी इसकी। तो यहाँ देख ले साफ लिख के आ रहा है इस आईडी के अंदर कि भाई ये
इनविटेशन दे चुका है इसको, अब जैसे ही हम इसको एक्सेप्ट करेंगे हो जाएगा, डिक्लाइन करेंगे नहीं होगा। फिलहाल हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अब ये इसके एडमिन है, एडमिन है तो पहले हमारे पास कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं थी, यहाँ पे देखिए कोई ऑप्शन नहीं थी, लेकिन अगर आप रिफ्रेश करते हैं यहीं पे तो हमारे पास मैनेजमेंट से लेके हर चीज़ का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि हम पूरी तरह से अब इस ग्रुप के एडमिन है। तो इसी तरीके से एडमिन, मॉडरेटर, प्री अप्रूव वगैरह जो भी, देखिए मैनेजमेंट आ चुका है। अब मैं भी यहाँ चाहूँ तो जिसने मुझे एडमिन बनाया उसको निकाल सकता हूँ, यानी कि जिस भी आईडी से एडमिन बन के यहाँ आया हूँ अब मैं उन आईडी उसको यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। जैसे इसके अंदर भी ऑप्शन आता है कि एडमिन ही इसको रिमूव कर सकता है, ठीक है, इस पर सस्पेंड कर सकता है, टर्न ऑन पोस्ट अप्रूवल है, और यहाँ पर एडमिन नहीं था, फिलहाल ये एडमिन है। तो अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ इस वाले पेज पे, तो देखें यहाँ पे भी ऑप्शन आएगा इसको एडमिन से सस्पेंड करने का, सेम ऑप्शन इसके अंदर भी आता है। तो यानी कि सोच समझ के किसी को एडमिन बनाए अगर बना रहे हो तो, और अगर आपका खुद का आईडी है तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर से देखें वही ऑप्शन आएंगे बट थोड़ा सा चेंजेस, यहाँ पे सीधा आ रहा रिमूव एज एडमिन क्योंकि अभी बनाया था, और इसके अंदर देखें तो हम चाहे देखो ये एडमिन है यहाँ पे, तो इसी तरह से आप चाहे तो रिमूव कर सकते हैं, एक्सेस लेवल चेंज कर सकते हैं, चेंज टू मॉडरेटर पे जा सकते हैं, लीव ग्रुप कर सकते हैं। तो यही सारी चेंजेस थी एडमिन के अंदर और करने की, आई होप आप समझ गए होगी कि काम कैसे होता है। और दोस्तों आपको क्या लगता है ग्रुप के बारे में, और कुछ जानना हो ग्रुप के बारे में कमेंट करके जरूर बताओ, आपके कमेंट रीड करूंगा और डेफिनेटली उसके ग्रुप्स के ऊपर और वीडियोस बना दूंगा। और जो भी ग्रुप के बारे में जानना चाहते हो कैसे ग्रो करना है तो ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनी पड़ी, चैनल के जाकर देखो, और फिर भी ये नहीं समझ में आती है कुछ तो कमेंट करके बताओ ताकि मैं जल्दी से जल्दी ऐसी और वीडियोस आपके लिए ले आऊँ। और हाँ, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लो यार, ताकि फ्यूचर भी ऐसी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचो और आप हमेशा अप टू डेट रहे। तो दोस्तों इसी के साथ हम दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।